हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम। मेरा नाम है वजाहत। तो यार, महादेव जी के भाई गले में माला पहना दिया सती जी ने सबके सामने, और भगवान शिव भी आ चुके हैं भाई वहां पर, वो भी मूर्ति में से। सती जी ने बोला आ जाए महादेव जी, लेकिन वो आए। अब आगे देखते और सब लोग कैसा भाग भाग के जा रहे। अबे वो साइड पे अट गए और उन्होंने हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव वो सारे नारे लगाने शुरू कर दिए। यार अब आगे देखते कौन ऑन करते स्टार्ट। ये देख, ऋषि भृगु जी। ऋषि भृगु जी कहता है नहीं पता, दंग जी बंद देंगे। नहीं, काफी खा देते दंग जी। हालांकि सब ने नहीं देखा, दंग जी की परवाह नहीं की, सब महादेव जी की तरफ भागे। ऋषि भृगु जी वफादारी। सारे लगे हुए हैं। ओ दादी जी भी आ गए हैं। दंग जी का मुंह देखने वाले भृगु भी लाए। किधर दंग जी का मुंह दे भाई। ओ ये भी आ गए भाई, वो सब पहुंच गए। अब किसी का भी रास्ता नहीं रहा। ना ना आपके का आ जाना। संसार को जैसे माता पिता मिल गए महादेव। ओए ओए ओए, शक्ति जी की अपने माता आदिशक्ति के प्रेम को स्वीकार, उनसे विवाह कर ले। हाय हाय हाय, शक्ति जी की खुशी यार। इतने बड़े हर्ष की बात और क्या हो सकती है प्रभु। आपकी पुत्री ने स्वयंवर में महादेव का वरण किया। संसार के परम पिता परमेश्वर आपके जमादा हो गए। ये संभव है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। किम वरमाला पहनाने का मतलब है कि शादी हो गई। माता जी तो फॉलो कर रहे हैं। हाय हाय हाय, दंग जी का ऑर्डर भी नहीं चल रही है। हाँ तो दंग जी माता जी को देख यार। भाई जमाता बन गया भगवान की। तेरी तपस्या सफल हुई सती। आए हाय नहीं, माता जी ने बड़ी प्रेम की। जो नाम लिखा ना तपस्या का फल। सती जी आए हाय। प्रजापति दक्ष ने अभी हमारे विवाह को सहमति नहीं दी। ये तो है, वो मैं सुनूंगी। हमारे विवाह को मान्यता तभी मिलेगी जब प्रजापति दक्ष से स्वीकार करेंगे। ओ, 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 यार और क्या चाहिए? मुझे ये विवाह सका नहीं है। और ये विवाह की न्यानी अब तो हो गया। अमान्य है ये विवाह। अमान्य तो महादेव जी वहां थे। महादेव जी जा दंग जी, जो करना है कर लो। मैंने अपनी लीला रची थी यहाँ कर सकता। अभी भाई ये कुछ भी नहीं कर सकता दक्ष। स्वयंवर में बिन बुलाए अतिथियों का स्वागत नहीं किया जाता है। अच्छा, कौन जमाता, कैसा जमाता? पूरे संसार में मान लिया है। मेरी दृष्टि में पति ने अभी तक अपना वर चुना ही नहीं। चुन लिया ना आपने, जिसको मानने के लिए खड़ा किया था तो उसको पहना दी वरमाला पहना। मैं इस विवाह को कोई मान्यता नहीं देता। क्या कह रहे प्रजापति दक्ष? मैं कोई वो देता ही नहीं। पति ने शिव का वरण किया है,
तभी तो महादेव यहाँ आए। हाँ वो वैसे ही थे यहाँ पे। हाँ। भगवान शिव जी हर जगह है। देने या ना देने का प्रश्न ही कहाँ उठता है प्रजापति। महादेव और सती का विवाह हो चुका है। नहीं ऋषि कश्यप, प्रजापति दक्ष सत्य कह रहे हैं। ये सती के पिता का यार ये देव का अधिकार इनका है। ओ, तो अब आपकी ये कौन सी चाल है महादेव? क्या है चाल होती तो वो शादी हो चुकी है। सार आपको भगवान कहता है, परंतु मेरे आप केवल केवल एक षड्यंत्रकारी। दक्ष जी ज्यादा ना बोलते हैं। षड्यंत्रकारी मैं जानता हूँ, आपने ये सब जो किया है ये मुझसे अपनी शत्रुता के कारण किया है। इनको कुछ समझ ही नहीं आता, माता जी समझ पहले आपने मेरी पुत्री को अपने प्रेम के भ्रम जाल में फंसाया। अंदाजा लगा। आपने मेरी पत्नी को मेरे विरुद्ध घुमाया। घुसाया कैसे माता जी को? इन्होंने तो एक बार भी कुछ नहीं बोला। आपने परिवार के एक एक सदस्य की मति भ्रष्ट करके उन्हें मेरे विरुद्ध बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब आप मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी पुत्री से विवाह करके आप सारे संसार के सामने मुझको पराजित दिखाना चाहते हैं। कब दिखाया? अपने आप से बना रहे हैं ना। बस कीजिए स्वामी। ये बस कीजिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये तो सती का भाग्य था। सती जी के जो नसीब में लिखा हुआ है। और इस विवाह को अपनी स्वीकृति दे दीजिए। हाँ मानता दे दें, बात खत्म, अब तो हो गई। मैं जानता हूँ प्रजापति कि ये आपके लिए सहज नहीं होगा। यार ऋषि कश्यप जी बोलते हैं, परंतु सदैव वो नहीं होता जो मनुष्य चाहता। हाँ। बल्कि होता तो वो है तो ईश्वर की इच्छा। और वो आपके द्वार तो स्वयं भगवान सदाशिव आपकी पुत्री का वरण करने आए। सारी बातें वर बन गए। वही तो भगवान नहीं मानता हूँ मैं महादेव को। भाई तेरा मान, तेरा माने ना मानने से क्या होता है? जग जी के माने ना मानने से कुछ नहीं। जब पूरी दुनिया इनको मान रही है। किंतु आप ये तो मानते हैं ना स्वामी, ये विवाह दो शरीरों का नहीं दो आत्माओं का बंधन होता है। एक ऐसा बंधन जो सृष्टि के निर्माण से लेकर सृष्टि के अंत तक चलता आ रहा है, जन्मों जन्मांतरों तक चलता आ रहा है। इसे कोई नहीं तोड़ सकता स्वामी, कोई नहीं। इसीलिए तो प्रजापति आप प्रजापति होकर भी इस विवाह को नहीं तोड़ पाए। ये बात क्या क्या नहीं किया आपने शिव और सती के मिलन को रोकने के लिए। क्या वाकई बहुत मेहनत की है, लेकिन रोक नहीं पाए। किंतु हुआ वही जो सती के भाग्य में लिखा हुआ। ये माता जी स्वामी सती का जन्म ही शिव के लिए हुआ है। हुआ है ओए होए, लाख कोशिशें कर चुके लेकिन रोक नहीं पाए। आप अपने पिता होने का धर्म निभाइए। हाँ। और इस विवाह को स्वीकृति दे दीजिए स्वामी। दक्ष जी मेहरबानी करो प्लीज। नहीं कर सकता, हमारे हाथ जोड़ने से भी नहीं आ रहा। भी नहीं कर सकता, मैं अपनी हार किसी मूल्य पर स्वीकार नहीं कर सकता। दक्ष जी प्लीज प्लीज आप मानता दे रहे हैं। सब समझता हूँ, पहली बात जानता हूँ ये शिव की चाल है मुझे पराजित कर। दक्ष जी एक दफा आजमा कर तो यार मुझे ऐसी आती है जी यार। ये तो मूर्ख हो गए। प्रजापति को पराजित करने का सामर्थ्य शिव में भी नहीं है। आपकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी महादेव। भगवान जो है चुटकी भी ना मारे ये भस्म हो जाएगा।
महादेव जी और दक्ष जी में फर्क है ना, वो भगवान है, ये इनके सामने कुछ भी नहीं है। और ये स्वयंवर शिव की पराजय का प्रमाण बन पराजय का प्रमाण है। अबे जीत चुके हैं महादेव जी दक्ष जी। व्यक्ति का अहंकार उसकी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण बनाता है। आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बन चुके हैं प्रजापति दक्ष। विधिपूर्वक संपन्न हुए विवाह को अमान्य घोषित कैसे कर सकते हैं प्रजापति? कैसे आप उसको कैसे स्वयंवर की विधि के अनुसार देवों, यक्षों, गंधर्वों और सप्तर्षियों के समक्ष सती ने अपनी इच्छा से महादेव का वरण किया। सती का महादेव से गंधर्व विवाह हो चुका है प्रजापति। दक्ष जी मान लीजिए शत्रुता तो कदाचित आप निकाल रहे हैं। यार ये तो आ यदि आप शत्रु ना होते यार तो आपके मुख से कदाचित आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वयंवर में केवल वही भाग ले सकता है जिसे स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया गया हो। तो भाई अबे दक्ष जी यार ये बंदा क्या है यार, ये मैं कहता हूँ क्या है। दक्ष जी माता जी ने भी समझा दिया, दादाजी जी ने भी समझा दिया, ऋषि कश्यप जी ने भी समझा दिया। दक्ष जी सिर्फ एक ही बात है, मुझे हराने के लिए कोशिश कर रहा है, शत्रुता कर रहा है, दुश्मनी निभा रहा है। अबे महादेव जी चाहे तो वो सती जी को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि महादेव जी देख वजह स्वयंवर में खुद थे, वो थे ना खुद। तो स्वयंवर क्या होता है कि आप बेटी जिसकी मर्जी से वरमाला पहना है, अब वो चाहे तो ले, लेकिन देखो महादेव जी ने कहा है कि मानता नहीं दिए दक्ष जी ने, मैं उसके बगैर तुम्हें नहीं लेकर जा सकता। कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अगर शत्रुता ने बाते तो अभी तक ले जाते, बोलते शादी हो गई है, वरना तो शादी हो गई। दक्ष जी कौन होते रोकने वाले, अब तो शादी होगी, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने हर चीज का ख्याल रखा और माता जी ने भी कितना समझाया उनको, लेकिन नहीं। वो दादी जी भी कहते हैं कि भाई ये मूर्खता का भाई परफेक्ट एग्जांपल आप बन चुके हैं। वो ब्रिगु जी क्या कर रहे हैं, ब्रिगु जी सब भाग रहे, ब्रिगु जी देख के भाई दादी जी की तरह के नहीं भाई, मैंने नहीं जाना यार। वैसे एक बात बताऊं, अब ब्रिगु जी बहुत अच्छे हैं यार, मतलब दक्ष जी का साथ बहुत वफादारी ने बात है, लेकिन बहुत ऋषि केशव जी की वो बात याद आती है कि उन्होंने हमें छोटा ही इसलिए वो ब्रिगु जी की मिसाल दे। हालांकि ऋषि कश्यप जी इतना नहीं डरते, कोई भी नहीं डरा सवाय ब्रिगु जी के, वो रुके रहे सबने निभाया। कश्यप जी भी इतना मजे का उस टाइम बोला था कि भाई इन्होंने हमें घर जमाते थे, अभी फिर है कि भाई हमें क्या हमें मिला है। भाई देखना दक्ष जी उनको कितनी बातें सुना रहे, महादेव के चेहरे पे देखो स्माइल, स्माइल है भाई, महादेव जी तो महादेव। दक्ष जी समझ जाएं और मानता दे दें, नहीं तो अगर महादेव जी को गुस्सा आया, अगर त्रिशूल चला तो त्रिशूल चला कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। और उनको इतना अपमानित मत करने यार, वही ना एक लिमिट होती है, और मान जाए प्लीज, वही ना यार मान जाए तो बेहतर है। अब आगे देखते आगे होता है क्या, इतनी वीडियो खत्म कर दे। We'll be right back.